6 मई है 2023 है, शाम के 7:15 बज रहे हैं। घर से तकरीबन 5-7 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ये स्कूल है, मैनचेस्टर रीजनल हाई स्कूल। इसमें मेरा बेटे नबील ने भी यहाँ से स्कूलिंग यहाँ से की है। ये स्कूल हमारे यहाँ अमेरिका में, न्यू जर्सी में और पूरे अमेरिका में 12 साल तक स्कूलिंग होती है। यहाँ सबसे बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ स्कूलिंग जो है 12 साल तक फ्री होती है, कोई ट्यूशन फी नहीं, कोई किताबों के पैसे नहीं, कोई खराजात नहीं होते यहाँ पे, बल्कि सुबह का नाश्ता और दोपहर का लंच भी यहाँ दिया जाता है। मुस्लिम स्टूडेंट से पूछा जाता है और उनको हलाल चीजें दी जाती है। तो ये मैनचेस्टर हाई स्कूल है हेल्डन न्यू जर्सी में, यहाँ इनका एक फंक्शन हो रहा है। तो मेरी अभी ऑफिस ऑफ हुई थी तो मैंने कहा कि चलें विजिट करता हूँ यहाँ पे, तो हम अंदर चलते हैं। ये 3 तारीख से लेके 7 तारीख तक है, आज सैटरडे है और कल लास्ट डे इसका, क्योंकि मैं अभी 6 बजे ऑफ हुआ था ऑफिस से, तो मैंने कहा कि चलो ये वॉकिंग डिस्टेंस पे तो है ही ये स्कूल हमारा, मैनचेस्टर हाई स्कूल है ये। अभी तो खैर मेरा बेटा को यूनिवर्सिटी में है, ये 2-3 साल पहले यहाँ से 12 क्लास पढ़ के चला गया था। तो चलते अंदर। ये पैसेज काउंटी ने और हमारे टाउन ने ये मुनक्कद किया है इस स्कूल के उसमें पार्क में लोन में। हमारा टाउन का नाम है हेल्डन और ऐसे 12-14 टाउन मिलके ये एक काउंटी में जाते हैं और काउंटी जो होती है वो इन सब की हेड होती है, सबका एक फेडरेशन है। झूले लगे हुए हैं, खाने पीने की स्टॉल है, दिगर सारे अंदर चलते हैं। स्टॉल आपको दिखा रहा हूँ कि दिल खुश हो जाएगा आपका, सब बच्चे देखिए कितना अच्छा एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। आइसक्रीम का स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे, ये झूले लगे हुए हैं और ऊपर जो है ये स्कूल है। ये स्कूल का बहुत बड़ा लॉन है, बहुत बड़ी जगह है, जितना आप इसके यहाँ देख रहे हैं ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज है नीचे होती है। अच्छा, और तमाम राइड वगैरह यहाँ पे फ्री है, कोई टिकट विकट नहीं है, सारी राइड फ्री है। सिर्फ ये आपको स्टॉल से परचेजेस करनी है खाने पीने की चीज़ें, बाकी राइड्स और गिफ्ट्स और ये सब जो है ये तमाम चीज़ें फ्री है। हमारा हेल्डन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और काउंटी मिल के ये प्रोग्राम कर रहे हैं। कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे सारे, क्या आइसक्रीम का है, आइसक्रीम का स्टॉल है। ये एल्पाइन विलेज है, ये हॉरर टाइप का विलेज बनाया है इन लोगों के लिए, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं सारा। बच्चों के खेल कूद के और सारी चीजें इसमें मौजूद है। बहुत ज्यादा से बच्चे बड़े सब लोग आए हुए हैं,
के खाने पीने की टिक्के चिकन टिक्के वगैरह क्या तैयार हो रहे थे। चिकन टिक्के वगैरह सारा तैयार कर रहे हैं। खाने पीने की सारी चीजें यहाँ पे तैयार हो रही है। कौन कौन तैयार हो रहा है बच्चों के सारे खिलौने वगैरह था। हर दो तीन महीने में यहाँ पे ये प्रोग्राम होते रहते हैं। गुणक हमारा टाउन और ये जो हमारी कैसे हमारी काउंटी वगैरह जो है ये प्रोग्राम करते रहते हैं। देखिए स्कूल के बच्चे ये मैनचेस्टर स्कूल, मैंने कहा ना हमारा बेटा भी यहाँ इसी मैनचेस्टर स्कूल में पढ़ता था आपने ना, और इसी में ये स्पोर्ट्स में भी इसका था शामिल था ये फुटबॉल की टीम में। यहाँ चूंकि बड़ी एक्टिविटीज होती रहती है फुटबॉल की और सब चीजों की, और मैच होते रहते हैं मुख्तलिफ जितने टाउन है उनकी स्कूलों की तरफ से। ये देखिए हमारे वो शेरफ की गाड़ी भी खड़ी है वहां पे, यहाँ के शेरफ और यहाँ के जो है मेयर और सब यहाँ पे इसमें मौजूद होंगे। इसमें अगर मौजूद हो तो मैं मुलाकात भी कराता हूँ, मेरी उनसे सबसे सलाम दुआ भी है और बहुत रिगार्ड भी करते हैं। और समझ लें कि मेरा यहाँ से घर जो 5-7 मिनट के डिस्टेंस पर ही है, वहां से मैं पैदल ही आया हूँ घर से। ये देखिए फुटबॉल जो है, जब बेटा मेरा नबीन जब यहाँ था तो इस टीम पे शामिल था। उनके पेरेंट्स बैठे हुए सामने जो बच्चे खेलते हैं, ये तो आए दिन एक्टिविटीज होती रहती है स्पोर्ट्स की। तो यहाँ पे माशाल्लाह मैंने चूंकि आपको कहा ना कि यहाँ स्कूलिंग का सिस्टम इतना अच्छा है कि जितना प्रॉपर्टी का टैक्स या वगैरह जमा होता है तो ये सब स्कूल के पढ़ाई में और इन जगहों पे बल्दियात को दे दिया जाता है। अब आप बताइए कि हमारे यहाँ एक हाउस का जो है पर मंथ जो है रेंट जो आता है वो $1,000 आता है हर हाउस का। अब यहाँ सैकड़ों की तादाद में हाउसेज हैं, तो अब जब इतना सारा एक हाउस का पर मंथ का इतना आएगा पैसा तो इन एजुकेशन पे और कितना ये लोग खर्च करेंगे और कितना ज्यादा, यानी यार मिलियंस में मकसदे के बजट होता है ये स्कूलों का। और देखिए तालीम बिल्कुल फ्री है यहाँ, 12 क्लासों तक तो पैसे ही नहीं देने होते पढ़ाई के। बच्चा यहाँ 12 साल तक पढ़ता है, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। खाना पीना भी यहाँ मिलता है, सुबह नाश्ता और दोपहर का लंच यहाँ देते हैं। और मुसलमान अगर हमारे जो हैं स्टूडेंट उनसे पूछा जाता है कि भाई आपको क्या चाहिए तो वो हलाल खाना मांगते हैं और इनको हलाल खाना प्रोवाइड किया जाता है। बाकायदा कॉन्ट्रेक्टरों से जो है इनका एग्रीमेंट होता है कि पूरे साल का खाने वगैरह का। ये जितना पोर्शन आप यहाँ आज देख रहे हैं इतना ही पोर्शन बैक साइड पे दिए ये मैनचेस्टर हाई स्कूल का एल्टन में है न्यू जर्सी में। वो सामने हमारा यहाँ का कौंसिल मेंबर तो नजर आ रहा है, वो भी मुस्लिम है, मोहम्मद रमजान नाम है उसका। और यहाँ का मेयर हमारा माइकल जॉनसन है, डेमोक्रेटिक है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बड़ी रिस्पेक्ट करता है मेरी। और जहाँ भी मिलता है और कई प्रोग्राम भी होते हैं मुझे जरूर इनवाइट करते हैं। ये बहुत माशाल्लाह चूंकि
आप जो देखते हैं कि मैं कराची में और पाकिस्तान में भी इतना सोशल था, तो अब यहाँ अमरीका में भी, अब क्योंकि यहाँ परमानेंट आ गए बच्चे वगैरह, तो यहाँ भी अब सोशल है, अखबार भी निकल रहा है मेरा ई कम्युनिटी के नाम से, और ये चैनल भी है जो यहाँ की अमरीका की बहुत खास खास चीज़ों को, जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं और यहाँ के इवेंट्स हैं, इनको मैं आपको बताते रहता हूँ, दिखाते रहता हूँ, ताकि आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो और मेरा भी टाइम पास हो। मैं असल में बाकायदे यहाँ भी ऑफिस ज्वाइन किया हुआ है, अकाउंट से रिलेटेड हूँ मैं, तो ये कि मैं 6 बजे ऑफ हो जाता हूँ, उसके बाद अपनी एक्टिविटीज और ये सैटरडे संडे को मेरा ऑफ होता है, तो ये अपने सोशल काम थोड़ा देख सकता हूँ, वीडियो बनाने का ये, क्योंकि ऑफिस में जाता जरूर है, ताकि यहाँ मशीन रखूँ अपने आप को, और यहाँ पर इतना हार्डवर्क नहीं है, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा बच्चे वगैरह सब यहाँ पर सेट है, अल्लाह के करम है, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, कर चुके हैं सब, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, तो जॉब भी बड़ी अच्छी है। हेलो, गुड गुड, वेरी गुड। ये देखें बच्चे एंजॉय कर रहे से 7 तारीख तक ये फेस्टिवल जारी है, आज सैटरडे और कल संडे लास्ट है, वो सोचता था आने को मगर आज सैटरडे था तो मैंने कहा कि चले आज चक्कर लगाई दिया जाए यहाँ पर। मौसम बड़ा अच्छा है, ठंडा ठंडा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सब एंजॉय कर रहे हैं। गेम बच्चे खेल रहे हैं, देखिए बाल क्रावल के नाम से गेम है, वो सामने बाथरूम भी है, लेडीज के अलग है, जेंट्स के अलग है, हेलो, ये देखिए सारे किरदार है, ये गेम है, फायर से गेम खेलते हैं और खेलने के बाद जो है फिश वगैरह देख, फिश की गेम, फिश की गेम सारे
हमारे कैंपिट बाउंड्री के पुलिस के अफसर like to introduce my brother and our council member Mr. Mohammad Ramzan. Mr. Mohammad Ramzan, please, first of all, please accept my heartiest congratulations for holding best event for the people and family member. Please say something about this carnival. This is a PBA event for our police department. So come out, bring out the family there until tomorrow till 10 o'clock. So come out and support and enjoy the events. Thank you. And you, our mayor, Michael Johnson, yep. And all your council members are doing very good services. Thank you. To the community of our Heldon town. Thank you. Thank you. Right, thank bye. You. Bye. Thank you, sir.